साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं मुकेश त्यागी जी अब आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारी बातें सभी लोगों ने रखी और बहुत सारे सवाल खड़े किए। मुकेश त्यागी जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष के अंदर जिस प्रकार से अराजकता फैली हुई है, आपस में अंतर द्वंद्व से भरी पड़ी है, मैं समझता हूं हमें एक स्वस्थ विपक्ष की बहुत आवश्यकता है जो स्वस्थ प्रजातांत्रिक स्ट्रक्चर के लिए लाजमी है। लेकिन आप जिस तरह देखिए कि कांग्रेस ने अखिलेश के साथ राहुल जी का जो समन्वय हुआ था, किस तरह से उनकी उनकी साइकिल पंचर हुई, और जिस प्रकार से अखिलेश जी का एक बार टूटी बोलती थी कि यहां तक कि डिपल यादव को जो है निर्विरोध चुनाव करने का मौका मिला, तो आप वहां से आप देखिए कितनी अवनीति हुई है। और जब से योगी सरकार आई है 2017 के बाद, मैं समझता हूं कि उनके 4.5 साल के काल में जिस प्रकार की उपलब्धियां हुई हैं, जिस प्रकार से विकास हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है, और आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर चुनौतियां अनेक हैं, ये मैं समझता हूं कि 23-26 करोड़ की जनता जो किसी बड़े देश के ये छठे उसमें आएगी कंट्री में, उसका इतना बड़ा व्यापक एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से योगी जी ने क्राइम फ्री, विकास हर तरीके से, अब आप उनकी जीडीपी देख लीजिए, जो स्टेट जीडीपी है वो जब ज्वाइंट किया था 10,71,000 करोड़ थी, लाख करोड़ थी, और अब जो है वो डबल हो गई है। तो जीडीपी का बढ़ना जो है ये तो सूचक है। और इस प्रकार से सड़कें, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के माध्यम से तमाम गांव में सड़कें पहुंची हैं, बिजली जो पहले बहुत जाती थी अब गांव गांव के अंदर बिजली पहुंच चुकी है, मैं समझता हूं 83% गांव में बिजली पहुंच चुकी है। जिस प्रकार से पानी बुंदेलखंड में साफ पानी का व्यवस्था की गई है, उद्योग धंधे जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो डिफेंस एक्सपो के माध्यम से आ रहे हो, जिस तरीके से उन्होंने 3 साल के लिए जो लेबर लॉस थे उनको निलंबित किया ताकि यहां पर जो है लेबर लॉस का प्रभाव निवेश पर ना पड़े, और जिस प्रकार से जब श्रमिक वर्कर्स मुंबई से आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम जो है हम एम्प्लॉयमेंट एजेंसी यही खोलेंगे और हम किसी भी श्रमिक को जो है कहीं पे नहीं जाने देंगे क्योंकि हमको उन श्रमिकों की आवश्यकता है। तो योगी जी और कोई एक भी करप्शन नहीं, दूसरा आप देखिए एक भी रॉयस नहीं। एक जमाना था कि मुरादाबाद, संभल, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये सब जगह ज्वलनशील खबरें आती रहती थी कि यहां हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो गया। एक भी झगड़े का आप मुझे बता दीजिए, एक भी भ्रष्टाचार का योगी जी के खिलाफ बता दीजिए। योगी जी जो 20 घंटे काम करते हैं लगातार उत्तर प्रदेश के लिए, वो लगातार मैं समझता नहीं हूं कि विपक्ष के पास अभी कोई आधार भी बचा है उनके उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का। आप ये देखिए इनका दिवालियापन देखिए कि अभी तक इनके आपस में ग्रेटर अलायंस की बात ही चल रही है और चुनाव जो है बिल्कुल खटखटा रहा है दरवाजे के ऊपर, और ये ग्रेटर अलायंस की कभी AMIM से मिल जाते हैं, कभी अखिलेश जी कांग्रेस से बात करते हैं, कभी आप पार्टी वहां संजय सिंह जाकर के बोलते हैं, तो इनके आपस में BSP में अभी सतीश मिश्रा जी ब्राह्मणों को प्रलोभन दे रहे थे, कई सालों के बाद अचानक उनको ब्राह्मणों की याद आने लगी। तो ये जो मजहबी ध्रुवीकरण करने के चक्कर में लगे हुए हैं और अपने अपने मजहब अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, लोहिया की पार्टी में समझता हूँ समाजवादी के अंदर जिस तरह से पुत्र ने पिता का अपमान किया, चाचा का अपमान किया, अलग अलग पार्टी वो आपस में ही नहीं जुट पा रहे हैं तो बाहर से कैसे जुट पाएंगे। अब ये लैपटॉप की जो राजनीति अखिलेश जी ने चलाई थी अब उस प्रलोभन में आने नहीं वाले हैं। राम जन्मभूमि का बड़ा भव्य मंदिर वहां पे बन रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हर दृष्टि से योगी जी ने अपने मुकेश जी अगर आप देखें उत्तराखंड के अंदर अभी तीसरे मुख्यमंत्री दिए गए हैं और ऐसी चीजें आ रही थी कि गुटबाजी वहां भी चरम पर है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी ऐसी खबरें आ रही थी कि लगातार वहां भी गुटबाजी चल रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, इस तरीके की भी चीजें थी। खुद ही आप अपने मुख्यमंत्रियों को एसएज करते हैं, आप ही के वर्कर करते हैं, विपक्ष तो जो कहता है वो अलग बात है। उसके अलावा कर्नाटक में अभी मुख्यमंत्री बदले गए, ये भी बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं इन पर भी सवाल होंगे, इन्हें लेकर क्या कहेंगे मुकेश जी? मैं ये कहूंगा कि देखिए ऐसा है कि कोई भी राजनीति परिपक्व या पूर्ण रूप से स्थायी नहीं होती है, ये बहुत ज्यादा गतिशील होती है। इसमें कैसी संभावनाएं बन रही है, क्या वातावरण बन रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, वो हम लोग संवेदनशील है, जहां देखते हैं कि जहां पे चेंज करना चाहिए वहां चेंज करते हैं। अब आप पंजाब में देख लीजिए, मतलब आप पंजाब में जिस प्रकार से ये गुटबाजी चल रही है वहां तो खुलेआम एक दूसरे को गाली गलौज चल रही है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे जब मैं बॉर्डर पे था तब ये पैदा हुआ था, आपस में एक दूसरे पे विचार विमर्श नहीं होते, वो उनको प्रेसिडेंट आपने बना दिया पंजाब का उसका, तो ये तो राजस्थान में देख लीजिए गुटबाजी कितनी चल रही है, मध्य प्रदेश में कितनी गुटबाजी चली, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है तीरथ सिंह रावत के बाद अभी धामी जी आए, उससे पहले रावत जी थे, तीन परिवर्तन हुए, अब उनकी जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको तो हम प्रतिबिंबित करेंगे, और चुनाव जो है उत्सव है, हम उसमें नए लीडर्स भी ला सकते हैं और कोई नए लीडर भी नहीं ला सकते। देखिए हमारे जो लीडर हैं वो है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश का विकास किया है, हम तो उनकी छत्री की छाया के अंदर चुनाव लड़ते हैं, हम तो इसको उत्सव मानते हैं कि ये एक प्रजातांत्रिक उत्सव है, तो आपस में विचारों का अंतर्द्वंद होना जो है एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के लिए अच्छा है। अगर कोई हमें लगता है कि यहाँ का नेतृत्व थोड़ा कमजोर है या उनकी उनकी इतनी उसमें दिलचस्पी नहीं है, तो हमारे जैसे बी एल संतोष जी हैं, नड्डा जी हैं, हम लोगों की व्यापक चर्चा होती है, इस प्रकार सेल्फ सेंटर्ड नहीं है जहां पर राहुल जी बस वो चाहे उनसे न कमान संभाली जा रही हो न चली जा रही हो, वो अपनी नेतागिरी को जो है अपने वर्चस्व को थोपने में लगे हुए हैं, हर प्रकार से जब चाहिए किस प्रकार से राहुल गांधी जी की लीडरशिप जो है वो फैब्रिकेट की गई, आर्टिफिशियल लीडरशिप है, यहाँ पर नेचुरल लीडरशिप के साथ काम करते हैं, और जिस प्रकार से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हम लोग जीते हैं, आप वो तो आप देख लीजिए कि ग्रास रूट पर हमारी डेमोक्रेटिक ग्रिप कितना स्ट्रांग है, तो ये कहना कि सर वो बदले गए तो इससे कोई हमारी पार्टी के अंदर कमजोरी आई, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल निराधार तथ्य है जी। नहीं बिल्कुल, और अभी क्योंकि समय बढ़ रहा है आगे को, तो मैं सभी से एक निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में आप अपनी बात रखेंगे, और राकेश जी मैं आपके पास सबसे बाद में आऊंगा, मैं सबसे पहले अजय भाई आपके पास आ रहा हूं, एक बात कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार यहां सक्रिय है, प्रियंका गांधी सक्रिय है, बहुत